नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए केवल नागरिकता नहीं बल्कि न्याय देने का कदम है, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में, जब उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश में शरण मांगने वाले लोगों को न्याय नहीं मिला। पड़ोस के देशों में लोगों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन थे, लेकिन उनके अपने देश में भी उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जहां विपक्षी गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्हें न्याय नहीं मिला, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 यानी सीए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी और भारत सरकार ने मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। ये कानून पारित हुआ था 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं। इतने सालों तक इस दृष्टिकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई सीए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। और आइए अब देख लेते हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया जिन्हें आज ये प्रमाण पत्र मिले। आज जो सुनहरा अवसर है हमारे लिए, तो मैं तो 2012 में आया हूँ यहाँ पे और आज 12 साल के बाद तब जाके हमें सीए के माध्यम से हमें ये सिटीजनशिप मिली है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का जो विस्थापित हिंदू के लिए काम कर रही है और हमें इस नाम से हटाया। एक जो हमारे पीछे एक नाम था पाकिस्तान का, वो हट गया। आज से हम एक आज़ादी की सांस ले सकते हैं एज आ हिंदू। पाकिस्तान से आए थे, 2008 में आए थे और अभी अच्छा लग रहा है, खुशी है इस बात की कि हमें मिल गई। मैं 2008 में पाकिस्तान से आया था राजकोट और मेरे को 2008 से अभी तक 16-17 साल हो गए। मैंने 3 दिन के अंदर मुझे ये सीए के अंदर जो है सिटीजनशिप मिली है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुझे ये सीए के अंदर सर्टिफिकेट नहीं, अलादीन का चिराग मिल गया है। अभी हम बहुत खुश हैं। आज इनके पापा को है ना नेशनलिटी मिल गई, हमें बहुत खुशी मिली है। 3-4 अजी बाकी है, जो 40-50 घर है हमारा है, 14 के पीछे 15, 16, 17, 18, 20, 19 में आया था, 22 में आया था, अभी आया था एक परिवार, 15-20 दिन हो गया है। पाकिस्तान
सिंध मीरपुर खास से आयल छा 2020 में वाजिब सरकार ना मोटा मोटा आभार कहें भारत सरकार ने जो हमारा आमिर शाह अमाना बदा नागरता मेड़ी दी थी छे अमाना यार लोजना बधो मिलसे सारू लोजना मिलसे यना कोटि कोटि प्रणाम जय माता भारत ने अमाना सारू कीधा छे। हम 6 लोग आए थे, हम जब यहाँ से ये आए नहीं आए हिंदुस्तान में, हमको बहुत दिक्कत थी, हमको स्कूल का दाखिला नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही पापा को। फिर 2014 में जो लोन निकला था एक, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड बनाया मोदी जी ने, फिर अभी तो सीए का निकाला है जो, उसमें बहुत खुशी हुई आज मेरे पापा को मिली है, कल हमको भी मिलेगी, ऐसी हमको आशा है, मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। मैं 2009 में यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई थी, फिर हमने ये एप्लीकेशन किया, फिर थोड़ा डिले हुआ, फिर मिल गई हमें नेशनल। तो काफ़ी खुश हैं वो लोग जिन्हें आज ये प्रमाण पत्र मिले हैं, और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ प्रावधान है इसके, क्योंकि काफ़ी ये चर्चा में रहा, काफ़ी ये सुर्खियों में है, और इस पर काफ़ी राजनीति करने की बात भी हुई, और आज गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। और इसे समझने के लिए, इसकी ज़रूरत को समझने के लिए हमारे साथ डीके दुबे जी जुड़े हुए हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दुबे साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा ये सरकार का कदम, सरकार का कहना है, किस तरह से जो दशकों से उत्पीड़ित रहे, वंचित रहे, उन्हें समान अधिकार सुनिश्चित करता है, और इसकी जो जरूरत थी वो भी आपसे समझना चाहेंगे। रमा जी, एक चीज पहले से समझनी चाहिए कि पार्टीशन के समय हमारे पास दो कानून थे, एक फॉरनर्स एक्ट था, एक हमारे पास पासपोर्ट एक्ट था। तो जब पार्टीशन हुआ, हिंदुओं को यहाँ पर आना था, तो हमने पार्टीशन के समय से ही और बाद में भी फॉरनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में संशोधन किया था, और उसमें ये कहा था कि जो हिंदुस्तान, मतलब जो हिंदू या नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के क्षेत्र में रह गए, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, उसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग रह गए हैं, कभी वो भारत में आते हैं तो वो फॉरनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, हम उनको ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं दे रहे। एक पार्टिकुलर डेट फिक्स की गई थी और उस डेट पर यह कहा गया था कि जो लोग भारत में उस डेट से पहले आ जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिलेगी, लेकिन उस डेट के बाद अगर आएंगे तो उनको एक कमीशन के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, और कमीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये लोग परमानेंटली यहां पर रहने के लिए आए हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 के नागरिक हैं। लेकिन अगर कुछ लोग उस कमीशन के सामने प्रेजेंट नहीं हुए और भारत में लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर हम जेल तो भेज नहीं सकते, क्योंकि ना तो फॉरनर्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और ना ही पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसमें तो एक्सेप्शन दिया हुआ था। इस परिस्थिति में ये लोग जो भारत में आ गए, जिनको 47 में आ जाना चाहिए था, दुर्भाग्यवश नहीं आ पाए, उन लोगों को भारत में आने के बाद भी खानाबदोश की जिंदगी जीना क्यों, जब हमने ऑलरेडी कानूनों में ये संशोधन करके रखे थे या ढील देकर रखी थी। तो ये जो भारत सरकार ने किया है उसमें सीधी सी बात कर दी कि वो कमीशन के सामने प्रेजेंट होना, वो एक प्रोसीजर लंबा जो उसमें हुआ करता था, वो प्रोसीजर की बजाय अब सीधा संशोधन लाकर ये कहा गया कि भाई जो इतने इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं उनको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो यहाँ पर रह रहे थे, काम कर रहे थे, परिवार भी सब कुछ था, लेकिन अधिकार नहीं था, खानाबदोश की जिंदगी थी। ऐसी परिस्थिति में जो पिछले 70 वर्ष से अभी तक लोग रह रहे हैं, वो चाहे 10 वर्ष पहले आए हों, 50 साल पहले आए हों, 60 साल पहले आए हों, उनको अधिकार देकर मुझे लगता है कि भारत सरकार ने एक इंसाफ का काम किया है, जो कि उन परिवारों को नहीं मिला अधिकार जो उनको मिलना चाहिए। और सीधी सी बात है कि वो जो रह ही रहे हैं और उल्लंघन कानून का नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को भारत में क्यों ना पूरे अधिकार मिले और नागरिकता मिले। तो एक साथ संशोधन करके सरकार ने इनको नागरिकता प्रदान करने का काम किया है, और मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उल्लंघन अगर नहीं हो रहा है, आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, आप वापस भी नहीं भेज सकते, तो फिर क्यों ना पूरे अधिकार दे दिए जाए, और यहां पर पूरे अधिकार देने का काम सरकार ने किया है। सरकार भी अधिकार के साथ साथ न्याय की बात कर रही है, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा मुद्दा सुर्खियों में भी रहा, इस पर राजनीति भी बड़े जोर शोर से हुई और बड़े दावे किए गए, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए यहाँ पर रहने का, उन्हें ये अधिकार दिया जा रहा है और एक वैलिड तरीके से दिया जा रहा है, एक प्रोसेस से दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी राजनीति हुई, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छे ढंग से दुबे जी ने बताया चीजों को और जो तथ्य उन्होंने रखे हैं वो तथ्य ही ये सवाल खड़े करते हैं कि पहले की सरकारों ने जब उनको ये इतनी छूट दी कि उन पर फॉरेन एक्ट लागू नहीं होगा, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन लागू नहीं होगा, यानी कुल मिला के आशय यही था कि जो वहां के हिंदू यहाँ आए हुए हैं उनको हम अपने बराबर भाई की तरह अधिकार दें। लेकिन क्यों यह नागरिकता इसमें लटका के क्यों रखा गया, कमीशन के सामने पेश होंगे, फलाना होंगे, तो देर आए दुरुस्त आए। सीए जब बना, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा, तो देखिए वही मानसिकता जो इतने सालों से वो यहां रह रहे हैं, उनका रहना वैध था लेकिन नागरिकता नहीं थी, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, बैंक में खाता उस तरह से नहीं, बहुत सारी ये समस्याएं थी। मैं समझता हूं ये अपने भाइयों के साथ ही जो अत्याचार हुए, एक तरह से जो यहाँ रह रहे हैं जिनको आपने मान लिया कि वो कोई अपराध नहीं किए हुए हैं, तो फिर उनको हम लोगों जैसा है बाकी भारतीयों जैसा क्यों नहीं किया गया? चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जब 2019 में कानून बना तो सबने देखा है किस तरह से अफवाहें फैलाई गई, पूरे देश में तनाव हुआ, शाहीन बाग और पता नहीं क्या 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 हुआ। और आज जब नागरिकता दी जा रही है, पहले भी दी गई थी, आज 188 लोगों को और दी गई है, वो ताकतें अब बिल्कुल चुप हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम वो लोग आज तो जवाब दें। और भाई सीधी सीधी कि जो लोग वहां से आए हुए हैं, हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, आज देखिए जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर बिल्कुल जुबान उन लोगों की बंद है। बताइए, हमारे ही भाई, अगर हमारे ही लोग किन्हीं कारणों से जब हम एक देश था वो अलग रह गए, वो सोचे कि हमारा भविष्य यही ठीक है शायद, लेकिन जो हालात बने हैं, जिस तरह से 33% कहीं आबादी हुआ करते थी, आज वो 8 या 9% हो गई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, तो क्या ये अपने आप में नहीं शो कर रहा है कि उन पर अत्याचार हुआ हमारे भाइयों पर? और जो कहां जाएंगे, हमारे ही भाई अगर अत्याचार होगा तो भारत में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? और उनको नागरिकता देने पर इतना बड़ा बवेला किया गया और उसको इस तरह से पेश किया गया जैसे कि वो बाकी किसी की नागरिकता छीनी जा रही हो तब उनको दी जा रही हो। अब सारी चीजें बेपर्दा हो चुकी हैं, ऐसी ताकतें जो किसी तरह से देश को में एक तरह से सांप्रदायिकता पैदा करने की, भड़काने की, देश को कमजोर करने की जो कोशिशें हो रही थी, आज वो ताकतें चुप हैं और कोई बहाना लेकर के अपने काम में लगी हुई है। लेकिन मैं समझता हूं अभी आपने दिखाया जिस तरह से जिन जिन को नागरिकता मिली है उनके चेहरे किस तरह से खिले हुए थे, वे लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे उनको उनके जीवन में भी कभी सोचना चाहिए कि वो कहते हैं ना तुलसीदास का कि जाके पैर न फटी बिवाई सो कस जाने पीर पराई, तो पीर पराई को हमारे डीएनए में रहा है और वो तो हमारे अपने हैं, हम परायों का भी स्वागत करते हैं, दूसरों को भी जो जरूरत रहती मुसीबत में हम काम आते हैं, शरण देते हैं, ये तो अपने ही हमारे भाई बंधु हैं। बताइए इनको इतना देर हुआ, मैं तो यही कहता हूं कि जो अन्याय हुआ था चलिए वो अल्टीमेटली न्याय में बदला, और मैं समझता हूं कि अब इस तरह की यह प्रक्रिया और तेज होगी। जो भी छूटे हुए लोग हैं उनका एक, मैं तो सोचता हूं कि कैंपेन चला करके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी वो नागरिकता भी लें।
बिल्कुल दुबे जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सीएए की बात करते हैं तो ये 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की भावना के अनुरूप ही है, हालांकि 1955 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इसमें एक प्रोसेस को सरल बनाया गया है, जिससे ऑनलाइन पोर्टल है, फिर इसमें जो पेंडिंग है वो ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं अगर कुछ मामले इस तरह से रह जाते हैं, तो किस तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया ये पूरी सुनिश्चित की गई है इसमें? पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जो पहले आपने बात की कि पार्टीशन के समय पर एक मुश्त ये तय हो गया कि भाई मुस्लिम एक नया स्टेट बनेगा और मुस्लिम वहां चले जाएंगे और हिंदू जो उस क्षेत्र में है वो यहाँ चले आएंगे। 1948 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि भाई सारे मुसलमान नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, इसलिए 1-2% जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते थे हम उनको यहाँ संरक्षण देंगे। ये 1948 में रेजोल्यूशन पास किया। बाद में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ और उस समझौते के तहत रुक गए, लेकिन संविधान में प्रावधान था कौन सी, वो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास नहीं था कि भाई उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। बस इतनी सी बात है कि संविधान में हमने लिख कर रखा था कि भाई ये से लेकर ये आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक हैं और इन आर्टिकल्स में ये कंडीशंस होगी भारत के सिटीजन होने की या भारत की सिटीजनशिप जाने की। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 में है। जब हमने 1955 में सिटीजनशिप का प्रोसीजर बनाया, इसको कहा जाता है कि भाई हमने जब स्टेट्यूट पास कर लिया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पास कर लिया, तो इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और समय समय पर उनमें संशोधन भी किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम उन किसी को भी सिटीजनशिप देंगे तो कौन सी अथॉरिटी होगी, किस अथॉरिटी के पास जाएंगे, लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव मशीनरी को करनी होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि आज डिजिटल जमाना है तो उसमें फैसिलिटेट करने के लिए वेबसाइट बना देते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटी के पास वो जाएगा, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उसको प्रोसेस आगे बढ़ा देगा। इसलिए आज की तारीख में पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे आसान तरीका ये ही है कि हम उसको वेबसाइट बनाकर ओपन इनविटेशन ले लें, ओपन एप्लीकेशंस ले लें और फिर उसकी फॉर्मेलिटी कार्यालय में पूरी हो। ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए आपके पास जो मशीनरी है वो कंसर्न मशीनरी को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो फिर उसको अपने हिसाब से जो जो फॉर्मेलिटी होती पूरा करने के बाद नागरिकता प्रदान करते हैं। बिल्कुल, और जो पात्रता है वो सही है, उसके लिए भी ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। काट, सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से गृह मंत्री ने साफ किया है और सरकार लगातार साफ करती आ रही है कि ये जो कानून है ये किसी का भी जो नागरिकता है उसको या किसी के जो अधिकार हैं उनको कम नहीं कर रहा है, उनको नहीं छीन रहा है, बल्कि जो वंचित थे, उत्पीड़ित थे और जो उनका एक राइट बनता था वो उनको देने के लिए कदम उठाया गया है। किस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया, और जिस तरह से गृहमंत्री ने आज भी कहा कि कुछ लोग अभी भी जो हैं गुमराह करने का काम करेंगे, लेकिन आप आइए और आवेदन करिए। बिल्कुल सही है, देखिए दुबे जी ने बहुत साफ साफ जो बातें बताई हैं, ये जो काम 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ये 1955 के बाद क्यों नहीं हो सकता था, जब नेहरू लियाकत समझौता भी हो चुका था और एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, सारी चीजें थी, तो कभी तो किसी सरकार ने डिनाई नहीं किया कि हमारे भाई हिंदू भाई आएंगे तो उनको नहीं करेंगे। वो तो छोड़िए, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में चिंता व्यक्त की थी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है,
यह बात उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। सवाल इस बात का है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति 1955 के बाद से ही शुरू हो गई, और ये मैं कहूंगा इस बात को कि मतलब पीर पराई को नजरअंदाज करके भी राजनीति होती रही। हम विदेशों के तमाम लोग, दूसरे धर्मों के लोग आए और हम उनको नागरिकता देते रहे, लेकिन अपने ही भाइयों को जो यहां आ गए थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे जहां भी, उनके बारे में जिस तरह से सच जानते हुए भी एक तो वो काम किया नहीं, और जब किसी सरकार ने इस पर बिल्कुल रूल रेगुलेशन बना करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो किस तरह से उसको उसके खिलाफ पूरे देश में दंगा कराने की एक साजिश रची गई और कितना बड़ा हुआ। तो इतना ही नहीं, उन सरकारों ने तो किया भी नहीं, अब जब किसी और सरकार ने करने की कोशिश की तो उसको अड़ंगा डालने के लिए कितना कुछ इस देश में हुआ। आज वो मैं यही पूछता हूं, वो तमाम ताकतें आके बताएं ना कि किसकी नागरिकता गई, सीए लागू हो गया, कौन नागरिकता किसकी गई है, वो जो दंगा किया था, दुनिया भर का जो एक तरह से माहौल क्रिएट किया था, आज उन लोगों को क्षमा अपनी गलती स्वीकार करने के लिए भी वो सामने नहीं आएंगे। कम से कम आज तो उनको आना चाहिए कि वो उस समय जो कह रहे थे उनका स्टैंड सही था क्या। आज इतने लोगों को, आज खुद अमित शाह ने इतने लोगों को नागरिकता दी है, कहीं से आपने कोई विरोध सुना अब तक? नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि ये तुष्टीकरण की एक राजनीति, कि ये दिखाने के लिए मोर लॉयल देन द किंग, कि हम अरे बहुत ज्यादा आपके हमदर्द हैं। तो ये जो हमारे यहाँ चलता है ना वोट की राजनीति के लिए, कुछ ताकतें गंदा खेल खेलती हैं, और इसीलिए बात बार बार हम कहते हैं कि भाई चलो राजनीति करो, राजनीति में तमाम तरह के दांवपेच होते हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता की कीमत पर और अपनों को धोखा देने की कीमत पर राजनीति नहीं की जाती। बिल्कुल, राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत जो है वो आगे रहना चाहिए। आपसे चर्चा जारी रही है, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Are you ready for the Space Day celebration on 23rd August? Many activities are taking place all across the country. Organizing workshops, seminars, exhibitions, competitions. I think there is always an energy in the young people's mind to support the space program of our nation. Let's all join together to celebrate the first National Space Day on 23rd August 2024. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दुबे साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब इसके आने के बाद किस तरह का एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं, और जिस तरह से बात की जा रही थी जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका भी हवाला दिया गया था, तो उसको एक किस तरह से करारा जवाब है? देखिए, आर्टिकल 14 जब कहता है तो वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और सीधी सी बात है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में किसी का शासन नहीं है, भारत में कानून का शासन है। अब कानून का काम है न्याय देना। जब आपने पहले से एग्जेम्प्ट कर रखा है उनको और वो यहाँ रह सकते हैं, हम उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते, उनको जेल नहीं भेज सकते, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते, तो भाई फिर यहाँ जो रह रहा है वो इक्वल क्यों नहीं है अमंग्स अस, जैसे हम सभी रह रहे हैं तो वो इक्वल क्यों नहीं है? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इसीलिए अमित शाह जी ने जो आज कहा है कि ये नागरिकता मत समझिए इसको, क्योंकि उनको तो रहने का राइट था ही, ये हमने उनको न्याय देने का काम किया है कि उनके साथ न्याय हो जो 70 वर्ष से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टिकल 35 कैपिटल ए के होते हुए जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे थे 70 वर्षों से रह रहे थे, उनको अधिकार 2019 तक नहीं दिया गया। उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर हम कहना चाहें तो जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी हमारे ही देशों से आई, जो हम थे और वो यहां पर आए, उनको हमने आने का रास्ता दिया, उनको रहने की जगह दी, सब कुछ किया, लेकिन हम न्याय नहीं कर पाए। तो ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। अब कोई ये कहता है कि जिसको आने का अधिकार नहीं है उसको हम इक्वेलिटी में लाएं, तो इक्वेलिटी अमंग्स इक्वल्स होती है, इक्वेलिटी अमंग्स इनइक्वल्स अनइक्वल्स नहीं होती। दो अनइक्वल लोगों में इक्वेलिटी नहीं देखी जाती, जब भी इक्वेलिटी देखी जाती है तो दो इक्वल लोगों में देखी जाती है,
कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिनको 47 में भारत में आने का अधिकार था उनको ही इक्वलिटी दी जा सकती है, जिनको 47 के बाद आने का अधिकार नहीं था उनको इक्वल कैसे मान लेंगे। बिल्कुल, नागरिकता के साथ साथ जो न्याय है वो सुनिश्चित किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और साबित भी होगा। दुबे जी आपका और रामकृपाल जी आपका बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।